अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया है, जो आपका पेपर पैटर्न वो कैसे आएंगे, इस साल यूनिवर्सिटी ने एक मॉडल पेपर निकाला है उसमें पूरा लिखा है आपका पेपर कैसे आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितना आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना आएंगे, 3 क्रेडिट जो आपका पेपर होगा वो सारा क्वेश्चन कितना आएंगे, पूरा लिखा है उसमें, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरा दिखाऊंगा, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना है। और अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए, जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन में यही लिखा है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर पैटर्न वो कैसे आएंगे इस साल। हम डायरेक्ट पेपर पैटर्न देखेंगे, जो मॉडल पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स फॉर अंडर क्वेश्चन कोर्स अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, 3 क्रेडिट कोर्स, जो आपका 3 क्रेडिट कोर्स होगा, ये जैसे कि मिनरल या मेजर सब्जेक्ट जिसको 3 क्रेडिट कोर्स होगा, वहाँ पर लिखा होगा जब आप टेक्स्ट बुक लाया होगा या गाइड लाया होगा किसी शॉप से, वहाँ पर लिखा होगा 3 क्रेडिट कोर्स। जो आपका 3 क्रेडिट कोर्स होगा वो आपका टाइमिंग होगा 2 आवर, जो आपका पेपर टाइमिंग होगा वो होगा 2 आवर, और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 और मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम मार्क्स 30, और जो आपका यहाँ पर लिखा होगा सब्जेक्ट, वहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और यहाँ पर सेक्शन और कोर्स कोड, ये 4 आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग और मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स, ये 4 वहीं पर फिल किया होगा। और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा जो 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स होगा, हर एक क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स होगा, पूरा 8 क्वेश्चन होंगे और वो हो गया 12 मार्क्स। और जैसे कि यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन को आंसर लिखना है 20 वर्ड्स आपको आंसर लिखना है हर एक क्वेश्चन को, जैसे कि ये हो गया सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ये होगा 3 क्वेश्चन, जिसके यहाँ पर लिखा है 9, 10, 11, 3 क्वेश्चन, 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये 4 क्वेश्चन होंगे, 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हो गया 30 मार्क्स। यहाँ पर लिखा होगा 9, 10, 11, 12, हो गया 4 क्वेश्चन, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन, वो होगा आर पार्ट उनका 7 होगा, वो हो गया 7.5 क्वेश्चन, 7.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, और हर एक क्वेश्चन को 16.5 मार्क्स है, 16.5 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, वो हो गए 4 क्वेश्चन, आपको खाली अटेम करना है 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन अटेम करना है, हर एक क्वेश्चन को 400 वर्ड्स ईच लिखना है, 400 वर्ड्स लिखना है हर एक क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अटेम करना है, 16.5 मार्क्स एक क्वेश्चन को होंगे, और वो हो गया 33 मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो फर्स्ट जो 3 क्रेडिट कोर्स का इतना ही पेपर आएंगे, आपको खाली यहाँ पर 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर अंडर ग्रेजुएट कोर्स अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर 4 क्रेडिट कोर्स, जैसे कि यहाँ पर आपका मेजर सब्जेक्ट होगा या मिनरल सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट कोर्स होगा, ये यहाँ पर लिखा होगा सब्जेक्ट कोर्स सेक्शन कोर्स कोड, और यहाँ पर टाइम और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 100 और मिनिमम मार्क्स 14, जैसे कि 40 मार्क्स आपका पास मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स 100, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको अटेम करना है 40 मार्क्स, जिस स्टूडेंट ने अटेम किया वो हो गया पास मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स, हो गया 16 मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी, यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन को साथ ही आर पार्ट होगा, यहाँ पर 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स, हो गया 40 मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही 1 क्वेश्चन को 22 मार्क्स होंगे, हो गया 44 मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम 2 क्रेडिट कोर्स की, यहाँ पर हम मॉडल पेपर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 क्रेडिट कोर्स भी ऐसे ही सेम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 और मिनिमम मार्क्स 20, जैसे कि मैक्सिमम ये 3 क्रेडिट कोर्स होगा, यहाँ पर जो आपको स्किल होगा या कुछ एनवायरनमेंट या स्किल आप खुद देखना, वहाँ पर जो नोट्स वगैरह आपने लाया होगा वहाँ पर लिखा होगा 2 कोर्स कौन सा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर 3 क्रेडिट कौन सा सब्जेक्ट होगा, 4 क्रेडिट कौन सा सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 50 और मिनिमम मार्क्स 20। जो आपका पहला सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स
एट मार्क्स होंगे, एट क्वेश्चन होंगे, एट में से आपको हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क्स होंगे, हो गया 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। ऐसे यहाँ पर सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन को 5-5 मार्क्स हैं, हो गया 20 मार्क्स। और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा 120 वर्ड्स, आपको 120 वर्ड्स ईच लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, 20 115 वर्ड्स आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ऐसे ही यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अटेम करना है 4 में से, और हर एक क्वेश्चन को 11 मार्क्स है, हो गया 22 मार्क्स। ये था आपका मॉडल पेपर आज का। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट के अंदर और कोई डाउट क्वेश्चन है या समझ नहीं आया, वो कमेंट में कह सकते हैं, या मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दिया है, वो इंस्टा पर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। यही था आपका मिडल, जो आपका 3 क्रेडिट कोर्स, 4 क्रेडिट कोर्स या 2 क्रेडिट कोर्स, इतना ही क्वेश्चन पेपर आएंगे आपको यहाँ पर एनवाई, जो आपका एग्जाम होगा एग्जाम में। और आपको मिनिमम मार्क्स, जो 4 क्रेडिट कोर्स आपको मिनिमम मार्क्स 40 मार्क्स पास मार्क्स हैं, और जो यहाँ पर 3 क्रेडिट कोर्स हैं वो आपको 30 मार्क्स पास हैं, जो 2 क्रेडिट कोर्स हैं आपको 20 मार्क्स पास है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर और कोई डाउट क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़, टेक केयर फॉर ऑल स्टूडेंट।